अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज टेक्निकल गाड़ी। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। उसके बाद हमारी जो आज की वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग NBP मोबाइल ऐप पे जो एक रास्ट ID बनती है उसको अनलिंक कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं कि आप रास्ट ID नहीं यूज़ करना चाहते, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से समझाने वाला हूँ। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है आपको समझना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से हमेशा एक छोटी सी गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऊपर 3 लाइन नजर आ रही है, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल के आ जाते हैं। तो आपने इसमें यहाँ पे देख सकते हैं रास्ट ID मैनेजमेंट, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे, आपकी ID अगर बनी हुई है, लिंक नहीं है तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अगर लिंक है तो अनलिंक करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आप अनलिंक कर सकते हैं। और अगर रास्ट ID मुकम्मल सिरे से ही खत्म करना चाहते हैं तो आप रिमूव रास्ट ID पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, आपको दोबारा से फिर बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारी जो आज की इस वीडियो का मकसद है वो है अनलिंक करना। तो हमने यहाँ पे अनलिंक पे क्लिक करना है। जो ही आप अनलिंक रास्ट ID पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिटेल जो है, अकाउंट डिटेल बताई जा रही है। आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पे 14 डिजिट का और IBN नंबर, और उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर है जो आप रास्ट ID के तौर पे यूज कर रहे हैं वो आपको दिखाया जाता है कि इसी अकाउंट को आप अनलिंक करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं जी बिल्कुल यही अकाउंट है, हम इसको इसी को ही अनलिंक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें अगले पेज पे कहेगा कि जी अपना MPIN जो है वो यहाँ पे लगाएं। जो आपके मोबाइल ऐप का MPIN होता है वो यहाँ पे आप इंटर करें तो ये अनलिंक हो जाएगी। तो मैं अपना MPIN यहाँ पे लगा देता हूँ। जी MPIN लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको ये सारी डिटेल आपको बताई जा रही है कि आपका ये नंबर इस IBN नंबर से जो है डीलिंक्ड कर दिया गया है, यानी कि आपकी रास्ट ID खत्म कर दी गई। मतलब आपकी जो रास्ट ID है वो इस IBN नंबर से अलहदा कर दी गई। अगर आप इस पे पेमेंट करवाते हैं तो इस अकाउंट में नहीं आएगी, यानी कि अगर आपकी रास्ट ID आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड नहीं है तो आप जो भी पैसे मंगवाएंगे वो इस अकाउंट में नहीं आएंगे। तो उसके लिए लिंक का होना जरूरी है। तो हमने आज इस वीडियो में अनलिंक का प्रोसेस करना था, आपने देख लिया, हमने रास्ट ID अनलिंक कर दी है। तो इस तरीके से आप रास्ट ID को जो है अनलिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें और साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।